देखो हमारे पास आज का जो टॉपिक हमारा वो है मेजरमेंट स्केल्स। मेजरमेंट स्केल्स, क्योंकि जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं या जो भी डाटा होता है तो स्केल्स होती है कि स्केल्स के ऊपर हम उनको कलेक्ट करते हैं या उनको एनालाइज करते हैं। विदाउट स्केल हम एनालाइज नहीं कर सकते। हम किस स्केल पे अपने डाटा कलेक्ट किया है, किस स्केल पे रिस्पोंडेंट से वो डाटा आपने कलेक्ट किया है, क्या मेजरमेंट था, किस मेजरमेंट पे आपने वो डाटा को कलेक्ट किया, किस बेसिस पे आपने कलेक्ट किया, क्या उसमें मेजरमेंट जो स्केल्स हैं वो आपने अप्लाई किए थे। विदाउट स्केल हम कुछ कर ही नहीं सकते। कैसे पूछोगे, कोई तो स्केल आप यूज करोगे, स्केल पे आप अपने डाटा ले सकते हो, पूछ सकते हो कस्टमर से। तो मेजरमेंट स्केल्स वही होती हैं जो हम मेजर करते हैं डाटा को एक स्केल्स पे, एक डिफाइन जो डेफिनेट स्केल्स होती है। जैसे मैप बनाते हैं, हम कोई भी मैप बनाते हैं तो मैप की स्केल लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का अगर ग्राफ बनाएंगे तो 5 किलोमीटर के इक्वल होगा। इसी तरह से स्केल यहाँ पे बनाते हैं हम कि आपने स्केल किस स्केल के बेसिस पे आपने डाटा को कलेक्ट किया है। तो एक बेस होता है ये डाटा कलेक्ट करने का, या जो मेथड से डाटा कलेक्ट करने का, उस डाटा कलेक्शन के मेथड्स में आपने कौन कौन सी स्केल्स को यूज किया है डाटा को मेजर करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। कलेक्ट कर लिए लेकिन उनको किस स्केल के बेसिस पे उसको मेजर करोगे, वो इसलिए हम मेजरमेंट स्केल हम यूज करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो है मेजरमेंट स्केल है चार तरह के होती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो चार तरह की अभी स्केल्स हैं। तो इन सारी चारों स्केल का हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या स्केल, कौन सी स्केल कैसे यूज होती है। तो इसमें सबसे पहले आती है हमारे पास नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल है। नॉमिनल स्केल का मतलब क्या होता है कि जो हम कोई वेरिएबल्स को लेबल देते हैं, एक लेबल दे दिया हमने उनको भी, इसका नाम ये है इस स्केल का, या इस पर्टिकुलर पर्सन का ये नाम है, तो हम कुछ लेबलिंग दे देते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो ये इसकी वैल्यू है। तो हम जिसको लेबल करते हैं, वेरिएबल्स को लेबलिंग करते हैं विदाउट एनी क्वान्टिटेटिव वैल्यू, जिनकी कोई क्वान्टिटेटिव वैल्यू नहीं होती। तो नॉमिनल स्केल्स वो होते हैं जिसमें हम केवल क्वालिटेटिव डाटा को मेजर करते हैं, जिसके अंदर कोई क्वांटिटेटिव टर्म्स में जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, वो नॉमिनल स्केल्स होती है हमारी। तो इसमें देखो नॉमिनल स्केल्स में किस तरह की हो सकती हैं। इसमें मान लो कोई नेम्स हैं, नेम्स का हमको लेबल लगाना है, वो हमारी नॉमिनल स्केल्स हैं जिसको हम लेबलिंग करते हैं, जिनको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम काउंट नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव टर्म्स में हम कंसीडर कर सकते। इसमें देखो ये व्हाट इज योर जेंडर, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, या कोई और ट्रांसजेंडर या कोई अदर हो सकता है। तो इस तरह की जो स्केल होती है वो हमारी कौन सी होती है, नॉमिनल स्केल। व्हाट इज योर हेयर कलर, किस तरह का आपका कलर है, हेयर का कलर, ब्राउन, ब्लैक, ब्लॉन्ड, ग्रे, अदर्स, किस तरह का है। तो इस तरह की जो स्केलिंग होती है वो हमारी नॉमिनल स्केल होती है। वेयर डू यू लिव, हाँ आप कहाँ रहते हो, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, साउथ ऑफ द इक्वेटर, नाइदर इन द इंटरनेशनल स्पेस सिचुएशन, ठीक है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हमारी नॉमिनल स्केल होती है, जहाँ पे डाटा को एक लेबल देते हैं, मान लो हमने यहाँ पे जो मेल है लेबल दे दिया, एफ एम लेबल मेल को दे दिया, एफ किसको दे दिया, फीमेल को दे दिया, ब्राउन, ब्लैक, ब्लॉन्ड, ये क्या है लेबल या नेम्स है जिनको हम असाइन करते हैं, नेम्स या कोई लेबल्स देते हैं, वो हमारे सारे नॉमिनल डाटा होते हैं। तो नॉमिनल डाटा जैसे डू यू लाइक स्मोकिंग, यस, नो, इस तरह के जो डाटा होते हैं सारा हमारा नॉमिनल बेस पे होता है, जिसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस का आंसर देना होता है। जैसे योर रेजिडेंसेस जो सिचुएशन क्या है, रूरल या अर्बन या सेमी अर्बन, इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे, इस तरह की जो स्केलिंग है वो हमारी ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल होती है। ये समझ में आ गया नॉमिनल स्केल? यस सर। तो नॉमिनल स्केल में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो नॉमिनल स्केल्स में ओनली टू कैटेगरी, जहाँ पे केवल दो कैटेगरी दी हुई हो, मान लो मेल फीमेल, तो उस तरह की जो कैटेगरी है उसको हम डिक्टोमस टाइप के क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है।
डिक्टोमेस यस नो दो कैटेगरी हैं वो कौन से होते हैं डिक्टोमेस होते हैं जिसमें एक सिलेक्ट करने के बाद दूसरा ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है यहाँ पे हमने फीमेल सिलेक्ट कर लिया फीमेल सिलेक्ट करने के बाद ये तो नहीं वो मेल बन जाएगा तो फीमेल सिलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिक मेल रिजेक्ट हो जाएगा इस तरह की जो कैटेगरी होती है वो हमारी वो डिक्टोमेस होती है डिक्टोमेस जो क्वेश्चन बोलते हैं जिनको जिन क्वेश्चन में डालते हैं तो कई तरह के होते हैं ओपन एंडेड क्लोज एंडेड डिक्टोमेस टाइप इस तरह के जो डिक्टोमेस टाइप के होते हैं अर्बन रूरल ठीक है तो अर्बन रूरल इस तरह के जो क्वेश्चन है जैसे अर्बन हो गया रूरल इस तरह के हैं कौन से होते हैं ये नॉमिनल स्केल में आते हैं डिक्टोमस टाइप है ये एक रूरल में मैं रूरल में रहता हूँ ऑटोमेटिक अर्बन वाला वो रिजेक्ट हो जाएगा तो इस तरह की जो स्केलिंग है वो हमारी नॉमिनल स्केल होती है ठीक है फिर वो ये है अदर सब टाइप ऑफ नॉमिनल डाटा कौन सा है नॉमिनल विद ऑर्डर ऑर्डर के साथ जैसे कोल्ड वार्म हॉट वेरी हॉट तो इस तरह की जो एक ऑर्डर में दिया हुआ हो कोल्ड वार्म हॉट वेरी हॉट एंड नॉमिनल विदाउट ऑर्डर में मेल फीमेल ये विदाउट ऑर्डर में है तो इस तरह के जो डाटा है सारा हमारा कौन सा होता है नॉमिनल उसके बाद आता है हमारा ऑर्डिनल ऑर्डिनल डाटा कौन सा होता है जिसमें हम कोई भी जो है टर्म्स को एक ऑर्डर में लिखते हैं जिसका कुछ ऑर्डर होता है एक क्रम होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं जिन चीजों को वो एक दिखाता है शो करता है हायर टू लोअर या लोअर टू हायर एक सीरीज को या एक क्रम को वो शो करता है ऑर्डिनल डाटा है ऑर्डिनल का मतलब जो ऑर्डर में हो जो एक ऑर्डर शो करता है ग्रेटर लेसर हायर लोअर मोर देन लेस देन इस तरह के जो एक ऑर्डर बताता है कि उसे ऊपर वाला उसे हायर वैल्यू का होता है उसे नीचे वाला उसे लोअर वैल्यू का होता है इस तरह की जो क्रम में हम शो करते हैं वो हमारे ऑर्डिनल में होते हैं जिसको ऑर्डर में लिखते हैं तो ये क्या होता है द ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज इज नॉट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट ऑर्डर को शो करता है किसी वैल्यू के ऑर्डर को तो जो डिफरेंस होता है बिटवीन द ईच इज नॉट रियली नोन क्योंकि डिफरेंस होता है बीच में वो इक्वल जरूर नहीं कि इक्वल हो सकता है ज्यादा हो कम हो तो मान लो ऑर्डर हम करते हैं मान लो इसमें कह दिया कि फोर नंबर इज बेटर देन थ्री और टू बट वी डोंट नो एंड कैन नॉट क्वांटिफाई हाउ मच बेटर इज हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कितना इसमें हमने कह दिया कि फोर इज बेटर देन थ्री लेकिन कितना हमने यहाँ कर दिया हाउ मच बेटर इट इज अब यहाँ पे एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल वेरी हैप्पी एंड हैप्पी वी कैन नॉट से ऑर्डिनल स्केल आर टाइपिंग मेजर ऑफ नॉन न्यूमेरिकल क्योंकि नॉन न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर न्यूमेरिकली हम नहीं कह सकते कि तू दो खुश है तू तीन हैप्पी है तू चार हैप्पी है हमें नहीं पता कितना हैप्पी है हम उनको सिर्फ हम क्वान्टिटेटिव या क्वालिटेटिव टर्म्स में हम काउंट कर सकते हैं भी ये इतना खुश है कितना क्वांटिटी में तो उसको क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते हम एक न्यूमेरिकल टर्म्स में तो बोल नहीं सकते ये 20 खुश है ये 10 खुश है ये 5 खुश है इस तरह तो हम नहीं बोल सकते यही बोल सकते हम इट इज वेरी हैप्पी इट इज वेरी वेरी हैप्पी इट इज नॉट हैप्पी इट इज स्ट्रॉन्गली डिसहैप्पी या डिसअपॉइंटेड इज नॉट हैप्पी इट इज सैटिस्फाइड इट नॉट सैटिस्फाइड स्ट्रॉन्गली सैटिस्फाइड ठीक है इस तरह की जो हम डाटा है वो ओरिजिनल में काउंट करते हैं जैसे हमने कह दिया यहाँ पे एक दे दिया हमने स्ट्रॉन्गली डिसएग्री दो को हमने दे दिया डिसएग्री तीन को हमने दे दिया मान लो न्यूट्रल चार को मान लो हमने दे दिया एग्री पांच को स्ट्रॉन्गली एग्री ये क्या है एक हम एक ऑर्डर को शो करता है ये सारे क्या है एक ऑर्डर को शो करता है
हम न्यूमेरिकली इनको डिफाइन नहीं कर सकते, ये सिर्फ हम क्वांटिफाई करेंगे इनको जब कोडिंग करने के लिए, जब हम इनको एनालिसिस करते हैं, जो एसपीएसएस सॉफ्टवेयर होता है हमारा, जब स्टैटिस्टिकल डाटा को एनालिसिस करने का, या एक्सेल में हम एनालिसिस करते हैं, तो इनको सिर्फ क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू में हम इसलिए इसको कोडिंग करते हैं ताकि जो एक्सेल है या एसपीएसएस है उसको रीड कर पाए, क्योंकि न्यूमेरिकल डाटा को ही रीड करते हैं, इसलिए इसकी कोडिंग करनी पड़ती है। विदाउट कोडिंग हम करें तो ये जो ऑर्डर में शो हो रहे हैं, क्रम में शो कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री से ज्यादा स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है, ये ज्यादा डिसएग्री है, डिसएग्री से स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है, इसकी वैल्यू इसे हाई है इन केस ऑफ डिसएग्री, एग्री है और ये स्ट्रॉन्गली एग्री, तो ये क्रम में एक ऑर्डर में ऑर्डर को शो कर रहे हैं। अब एग्री हम कह देंगे एग्री कितना एग्री है भाई, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री कितना, स्ट्रॉन्गली एग्री कितना, स्ट्रॉन्गली एग्री है हम तो यही कह सकते हैं, बहुत ज्यादा एग्री है, बहुत कम एग्री है, ये तो एग्री नहीं है, लेकिन हम क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते कि हाउ मच कितना। तो जो सिर्फ इसमें ऑर्डर को हम इसको ऑर्डर में वैल्यूज को ऑर्डर में हम बता सकते हैं कौन किससे कितना इम्पोर्टेंट है, कौन सी वैल्यू किस स्टेटमेंट से कितनी इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? yes, sir. ऑर्डर में देखो ये दे रखा है, ये भी एग्जांपल हो सकता है, How much do you feel today? Very unhappy, unhappy, okay, happy, very happy. इस तरह के डाटा ऑर्डर में, क्योंकि ऑर्डर को शो करता है, एक सेटिस्फेक्शन लेवल, एक हैप्पीनेस को फॉलो शो कर रहा है, ये उससे इतना हैप्पी है, ये अनहैप्पी है, ओके है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह की जो स्केल होती है, हमारी ऑर्डिनल स्केल होती है, हाउ सेटिस्फाई आर यू विद आवर सर्विसेज, वेरी सेटिस्फाइड, समवॉट अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, समवॉट सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, तो ये सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करता है, ये ऑर्डर में एक ऑर्डर को शो करता है, ये इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये इससे कम इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह की जो स्केल होती है वो हमारी ऑर्डिनल स्केल होती है। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल क्यों क्या होता है, इंटरवल स्केल वो होता है एक न्यूमेरिकल स्केल को जो शो करता है कि इसमें जो ऑर्डर भी हो सकते हैं, ये एक्चुअल डिफरेंस भी बताता है कि दोनों वैल्यूज के बीच में कितना डिफरेंस है। ऑर्डिनल स्केल में तो डिफरेंस नहीं बताता कि कितना किसमें कौन कौन सा सेटिस्फाई जो लोग हैं वो अनसेटिस्फाइड लोग होते हैं, कितने सेटिस्फाई हैं और कितने लोग अनसेटिस्फाई हैं, तो कितने अनसेटिस्फाइड है, हाउ मच, तो इसमें हम कंसीडर नहीं कर सकते, डिफरेंस पता नहीं लगा सकते। इंटरवल स्केल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू शो होती है, हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं, न्यूमेरिकल स्केल होती है, तो हम इसमें बहुत दोनों चीजें हम पता लगा सकते हैं, इसका ऑर्डर को भी और एग्जैक्ट डिफरेंस भी, दोनों चीज हम इसमें पता लगा सकते हैं बिटवीन द वैल्यू, जो वैल्यूज है उनके बीच में। तो जो क्लासिकल एग्जांपल है एंड्रू का, सेल्सियस मान लो सेल्सियस टेम्परेचर है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन ईच वैल्यू इज द सेम, जो डिफरेंस होता है वैल्यू का वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन 60 एंड 50 सेम है, इज मेजरेबल 10 डिग्री, कितना मेजर करता है ये, कितनी डिग्री को मेजर करता है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो 10 डिग्री ये मेजर करता है दोनों के बीच में। एज इज द डिफरेंस बिटवीन 80 और 70 के बीच में जितना डिफरेंस है उतना इनके बीच में होगा, तो इसलिए ये सेम वैल्यू सेम डिफरेंस बता रहा है। तो इंटरवल स्केल्स है वो अच्छी है क्योंकि ये बेटर है, गुड है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बढ़िया है, क्योंकि जो जो ओपन सब होती है इसमें हम एक डिफरेंस का भी ऑर्डर के साथ साथ डिफरेंस का पता लगा सकते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं, अगर मोड के मोड से भी मीडियन और मीन तीनों चीज हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि मोड में न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, मीडियन में न्यूमेरिकल वैल्यू, मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इंटरवल स्केल है तो हम ये मेथड हम लगा सकते हैं, मोड, मीडियन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास इंटरवल स्केल। यहाँ पे देखो ये दे रखा डिग्री एक सेल्सियस को टेम्परेचर को शो कर रही है, तो इंटरवल स्केल है कि हमारा एक इस इंटरवल के बीच में कितना टेम्परेचर था, मान लो 10 डिग्री है सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, नो प्रॉब्लम, देयर 20 डिग्री सेल्सियस नॉट ट्वाइस एज हॉट एज 10 डिग्री सेल्सियस, हाउएवर बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज नो टेम्परेचर वेयर इट कम्स टू द सेल्सियस स्केल व्हेन कन्वर्टेड टू फारेनहाइट इट इज क्लियर 10 degree Celsius equal to 50 Fahrenheit and 20 degree
Celsius is equal to 68 Fahrenheit, which is clearly not twice as the old. I hope that makes sense. क्योंकि जब इसमें करते हैं हम कंप्लीट करते हैं तो एक स्केल को मेजर करता है, एक स्केल को बताता है साथ के तो ऑर्डर को भी और इसमें डिफरेंस बताता है कि हमारा इंटरवल मान लो 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, इस तरह की जो सीरीज है वो कौन सी होती है हमारी इंटरवल स्केल भाई 50 से 60 है उसके बीच में मान लो ये हो गए मार्क्स हो गए और ये हो गए स्टूडेंट्स तो 50 से 60 जिसके मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट हैं मान लो 5 60 से 70 मार्क्स जिसके हैं वो कितने स्टूडेंट हैं 4 70 से 80 मान लो 3 स्टूडेंट हैं तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी है तो इस तरह का जो डाटा है जो एक इंटरवल शो करता है मान लो 50 से 60 साथ तो ये इक्वल इसमें डिफरेंस है दोनों के बीच में 50 से 60 के बीच में भी इक्वल है 60 से 70 के बीच में भी 70 से 80 के बीच में भी इक्वल डिफरेंस है तो ये शो कर रहे हैं क्या शो करते हैं एक स्टूडेंट के मार्क्स को शो कर रहे हैं तो इस तरह के जो स्केल होती है वो हमारी कौन सी होती है इंटरवल स्केल जहां पे इक्वल डिग्री ऑफ जो डिफरेंस है दोनों के बीच में जैसे यहाँ पे 20 डिग्री बता रहा है सेल्सियस हम बता सकते हैं न्यूमेरिकली इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस आ जैसे हम टेम्परेचर देखते हैं न्यूज़पेपर में देखते हैं कई बार या टीवी में देखते हैं तो आता है ना कि आज का जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना है मान लो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम तो मिनिमम मैक्सिमम मान लो मिनिमम 40 डिग्री मैक्सिमम 50 डिग्री तो 40 डिग्री और 50 डिग्री है जो मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर रहा है तो इसके बीच में 41 भी रहा होगा 42 भी रहा होगा 43 भी रहा होगा कभी 44 भी रहा होगा तो इन्होंने तो मिनिमम और मैक्सिमम इन्होंने मान लिया एक इंटरवल स्केल बना दी कि 40 से 50 के बीच मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर आज का दिन का ये रहा है तो इस तरह की जो स्केल होती है हमारी कौन सी होती है इंटरवल स्केल उसके बाद आती है हमारी रेशियो स्केल रेशियो स्केल में क्या करते हैं हम रेशियो हम निकालते हैं एक किसी रेशियो के बेसिस पे हम स्केल बनाते हैं अब रेशियो स्केल कौन सी होती है देखो ये डाटा को मेजर करते हैं स्केल को ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ये हमें बताता है ऑर्डर को बताता है एग्जैक्ट वैल्यू भी बताता है यूनिट्स की कि कितनी वैल्यू है एक यूनिट की जो भी हम यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या करता है रेशियो स्केल आर द अल्टीमेट Nirvana when it comes to the data measurement scale because they tell us about the order के साथ साथ क्या बताते हैं exact value between units units के बीच में जो exact value है क्या बताते हैं and they also have an absolute zero इसमें एक absolute zero भी हो सकता है लेकिन interval scale का क्या drawback है उसको zero से start नहीं कर सकते क्योंकि जो टेम्परेचर होगा जीरो हो तो हो ही नहीं सकता या चाहे जो भी हम कंसीडर करते हैं जहाँ भी हम करते हैं कुछ उसकी संख्या होती है कुछ वैल्यू होती है विदाउट वैल्यू हम इंटरवल स्केल को जो स्टार्ट कर नहीं सकते उसमें अल्टीमेट जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते लेकिन इसमें क्या है एब्सोल्यूट जीरो इसमें होता है हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी हम रेशियो लेते हैं तो वो रेशियो ऑफ द बीच में डिफरेंस जीरो का भी आ सकता है रेशियो ऑफ द बीच अब रेशियो लेते हैं तो मान लो 0 डिवाइड बाय 40 तो 0 ऐसे भी हो सकता है रेशियो हम ले सकते हैं 0 आ सकता है कोई दिक्कत नहीं व्हिच अलाउ फॉर अ वाइड रेंज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इसमें आप कौन सी जो किस तरह की जो रिसर्च हम करते हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम रेशियो एनालिसिस से निकाल सकते हैं तो अप्लाई हम इसमें ये मेथड हम डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल जो स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च है वो कर सकते हैं बाय यूजिंग का रेशियो एनालिसिस बाय यूजिंग का रेशियो एनालिसिस तो इसमें देखो हाइट इसमें देखो हाई वेट ड्यूरेशन तो हम जीरो से काउंट कर सकते हैं इसमें हाइट मान लो जीरो से दो से पांच तो हाइट हो गई वेट हो गया तो इस तरह की जो है उनको हम एक रेशियो में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि वेट के मुकाबले जो हाइट है उसका क्या रेशियो है
वेट और हाइट का क्या रेशियो है निकाल सकते हैं। तो इस तरह की जो रेशियो है निकाल सकते हैं। तो रेशियो सेल्स, अब मान लो लायबिलिटी एसेट्स है, इनका रेशियो निकाल सकते हैं। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इस तरह का जो रेशियो निकालते हैं वो हम यूज करते हैं इसमें रिसर्च में। तो हम डिस्क्रिप्टिव रेफरेंस स्टैटिस्टिक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो रेशियो स्केल्स हैं, एक हमें प्रोवाइड करती हैं जो वेरिएबल्स हैं मीनिंगफुल हो जाते हैं, और हम उसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइडेड भी कर सकते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी है वो मेजर करती है। मोड से भी हम निकाल सकते हैं रेशियो, रेशियो को हम यूज कर सकते हैं, मीडियन भी कर सकते हैं, मीन में भी और डिस्पर्सन में भी। तो ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट जो निकालते हैं उसमें भी यूज होता है। जैसे कोफिशिएंट निकालते हैं, किसी का भी कोफिशिएंट निकाल लो, कोफिशिएंट में हमेशा क्या होता है रेशियो हम निकालते हैं। मानो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, डिस्पर्सन निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है रेंज में हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइड बाई हाईएस्ट प्लस। तो इसमें भी क्या हम डिवाइड किया हमने रेशियो, तो रेशियो हम शो करते हैं। डिस्पर्सन निकालना हो हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, तो उसमें हम निकालते हैं, इसको यूज करते हैं रेशियो। रेशियो सिंपली क्या होता है, डिवीजन, डिवाइड करते हैं एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, फिर हमारा रेशियो आता है मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड। तो इसी तरह से रेशियो आता है हमारा। तो इस तरह की जो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कोफिशिएंट निकालते हैं, तो रेशियो हम यूज करते हैं मोड। क्योंकि रेशियो हमने डिवाइड करते हैं, जब भी मान लो हमने निकाला डेविएशन निकाला तो एक्स माइनस एक्स बार निकालते हैं कई बार, तो इसमें भी वो निकालते हैं हम, मान लो समेशन डी एक्स डिवाइड बाई एन, तो एन से डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड किया, तो इट मीन्स यहाँ पे रेशियो हम यूज कर रहे हैं, जहाँ भी डिवाइड करेंगे और रेशियो यूज करेंगे। तो रेशियो स्केल्स हैं, इसमें हम डिवीजन मल्टीप्लीकेशन जो भी करेंगे उससे करके ही हमारा कैलकुलेट होता है। तो ये हम एड, एडिट, सब्ट्रैक्टर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये हम किस में करते हैं, मीन में भी करते हैं, मोड में भी करते हैं, डिस्पर्सन में भी, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी, सब कोफिशिएंट निकालते हैं किसी का उसमें भी यूज करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, उसमें भी हम रेशियो का यूज करते हैं। तो क्लियर है ये या भी क्लियर नहीं हुआ? क्लियर। तो रेशियो हम निकालते हैं किसी भी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से, हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई हैंडल करते हैं, वो हमारा परसेंटेज या रेशियो आ जाएगा। जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, जब मार्क्स हो गए, जहाँ पे हम एक क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो वहां पे हम रेशियो यूज करते हैं। ड्यूरेशन, वेट, हाइट, इस तरह की जो है इसमें हम साथ ही साथ एक यूनिट को भी हम बताते हैं। हाइट में क्या यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, इंच हो सकती है। वेट में क्या हो सकता है, किलोग्राम, ग्राम, ये हो सकते हैं। डिस्टेंस की बात करें वहां पे मीटर, किलोमीटर, ये साथ के यूनिट्स को भी यहाँ पे शो करता है जो रेशियो है। क्लियर है? Yes. अब देखो जो हमारे पास नोम, देखो जब द ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज इज नोन, जब हमें ऑर्डर पता हो वैल्यूज का कि किस ऑर्डर में वेरी हैप्पी, अनहैप्पी, नॉट हैप्पी, तो इस तरह की जो होती है वो क्या होती है, ऑर्डिनल। तो हमें जब ऑर्डर पता हो किसी का तो उसमें या तो ऑर्डिनल स्केल यूज होगी, इंटरवल या रेशियो, तीनों हम यूज हो सकते हैं, तीनों की तीनों स्केल यूज हो सकती है। काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हो, काउंट दिया हो, न्यूमेरिकल टर्म्स दी हो, जहाँ पे काउंट कर सकें जिसको हम, उसमें नॉमिनल भी यूज हो सकता है, ऑर्डिनल भी, इंटरवल भी और रेशियो भी यूज हो सकते हैं। जब पे हमें मोड कैलकुलेट करना हो तो वहां पे कौन कौन सी स्केल यूज होती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, इन सब पे हम मोड लगा सकते हैं, मोड से कैलकुलेट हो सकते हैं। मीडियन,
अगर मीडियन निकालना तो नॉमिनल काम नहीं देगा, क्योंकि नॉमिनल में क्या है, हम केवल नॉमिनल डाटा को यस नो मेल फीमेल इस तरह के डाटा काउंट करते हैं, तो ये नॉमिनल यहाँ पे काउंट नहीं होगा। लेकिन मीडियन में तो हमें जो बीच की वैल्यू चाहिए होती है, कि जो सीरीज में बीच की वैल्यू कौन सी लाई करती है, वो तो या तो ऑर्डर में हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, मान लो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, तो इसमें बीच का कौन सा होगा, न्यूट्रल, तो मीडियन इस तरह पता लगा सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल में हम पता नहीं लगा सकते। तो ये हम यूज हो सकते हैं मीडियन ऑर्डिनल में भी, इंटरवल में भी और रेशियो में भी यूज हो सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा पास मीन, तो मीन ऑर्डर में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मीन को हम निकालते हैं, मीन में तो हमें क्या चाहिए, उसमें एक टोटल करके हम उसका मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज हम ऑर्डर से कोई मतलब नहीं हमें, क्योंकि ऑर्डर में निकालना ही नहीं, यहाँ पे ऑर्डर तो तब चाहिए ना जब हम बीच की वैल्यू या हमने रिपीटेशन देखना हो। तो मीन है, मीन केवल अप्लाई हो सकता है इंटरवल स्केल पे और रेशियो स्केल पे, क्योंकि इसमें हम टोटल, क्योंकि इसमें सारी की सारी सीरीज है, हर एक सीरीज का वैल्यू इम्पोर्टेंस होती है, जितनी भी मान लो 10 वैल्यू है, हर एक आइटम का इसमें इम्पोर्टेंट है एक मीन को निकालते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू जुड़ के तभी मीन निकलती है, तो सारी वैल्यूज का इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। तो इसमें ऑर्डिनल का कोई मतलब ही नहीं है, कि ऑर्डिनल से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते मीन को, क्योंकि इसमें ऑर्डर को हमने नहीं देखना होता, इसमें हमें टोटल सारी वैल्यूज को हमने देखना होता है। तो इसमें हम इंटरवल यूज करते, क्योंकि इंटरवल में क्या होता है, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और हम ऑर्डर को शो कर सकते हैं, और रेशियो में हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी और यूनिट्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, और जीरो से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें मीन है वो हम यूज करते हैं। कौन क्वांटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द ईच वैल्यू, अगर हमने ईच वैल्यू में डिफरेंस निकालना हो, मान लो हमने डेविएशन निकालना हो, डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इस तरह के मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, अगर क्वांटिफाई करना हो डिफरेंस, तो हम कौन सी स्केल यूज करेंगे, इंटरवल और रेशियो से निकल सकते हैं। कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट वैल्यू, वैल्यू ऐड करनी हो, सब्ट्रैक्ट करनी हो, तो ये किस में पॉसिबल है, इंटरवल में और रेशियो में, क्योंकि जो ऐड वैल्यू करेंगे ऑर्डर में तो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, तो इसमें क्या वैल्यू ऐड करोगे, नॉमिनल में यस नो मेल फीमेल क्या ऐड करोगे, कुछ ऐड कर सकते हो, नहीं, तो ऐड सब्सट्रैक्ट करना हो तो इंटरवल में हाँ ऐड कर सकते हो, मान लो यहाँ पे 15 से 20 दे रखा हो, 20 से 25 दे रखा हो, इसमें ऐड कर सकते हो, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन ऐसे ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसी तरह इसमें रेशियो में ऐड कर सकते हो आप, रेशियो में मान लो 2/30 है, प्लस वन ऐसे ऐड कर सकते हो, तो इसमें हम ये यूज करते हैं। कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वैल्यूज, वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना तो भी हम देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते इंटरवल, इंटरवल में मान लो हमने दे रखा हो 15 से 20, 20 से 25, तो इसमें हम डिवाइड तो नहीं, डिवाइड करने के बाद तो सारे सिस्टम ही ना, तो इनको डिवाइड कर सकते हैं ना इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन जहाँ रेशियो की बात है 20/30 दे रखा हो, तो इसमें सेम वैल्यू से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम वैल्यू से हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 20/30 मल्टीप्लाई 2/5, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, उस केस में हम सिर्फ रेशियो स्केल को लेंगे। है ट्रू जीरो, ट्रू जीरो किस में होता है, इसमें भी नहीं होता जीरो, इसमें भी नहीं होता जीरो, और रेशियो में हम जीरो से स्क्रू कर सकते हैं, मान लो जीरो वैल्यू 0/30 तो ये जीरो आ सकता है, लेकिन इन सब में जीरो नहीं आ सकता बाकी में। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर अलग अलग स्केल को हम कैसे कैसे यूज करेंगे और कौन कौन सा मेथड हम लगाएंगे, हम स्टैटिस्टिकल जो डाटा को एनालिसिस करते हुए कौन कौन से स्केल्स को हम लेंगे। तो क्लियर है ये सभी को, यस सर, पक्का, कोई कंफ्यूज तो नहीं है, नो सर, ठीक है। तो ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो, इंटरवल बता दिया, नॉमिनल जो है वो हम सिर्फ इसमें कुछ यस नो मेल फीमेल अर्बन रूरल इस तरह की जो क्वेश्चंस हम इंक्लूड करते हैं,
ऑर्डिनल में एक ऑर्डर को शो करते हैं एक दूसरे एफपी एन एफपी सेटिस्फाई नॉट सेटिस्फाइड लेस देन मोर देन ग्रेटर देन इस तरह से इंटरवल में हम इंटरवल स्केल लेते हैं 30 से 40 40 से 50 इस तरह से और रेशियो में हम एक रेशियो डिवीजन में हम देते हैं कि रेशियो आर वन डिवाइड बाई आर टू इस तरह का हम रेशियो में हम काउंट करते हैं जो जीरो से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं तो इस तरह की जो स्केल है वो हमारे मेजरमेंट स्केल होती है अलग अलग तो ये आज का टॉपिक था इसको मैं अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा तो कंफ्यूजन है दोबारा यूट्यूब पे उसको देख लेना और अभी तक मेरे ख्याल से किसी ने भी तुम्हारी क्लास में से सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को अच्छा दीक्षा और सुशील ओके चलो ठीक है ओके।